के दबरी जिला मुख्यालय पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 207 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 11 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। सामूहिक विवाह समारोह के मुख्य अतिथि सांसद चंद्रसेन जादौन रहे, साथ ही CDO दीक्षा जैन एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। धबरी पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। या श्री कृपाण होने सभी पापा का किया होते होते सदा सदा प्रवचा धज्जाता नाम जहां समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें 196 हिंदू जोड़े और 11 मुस्लिम जोड़े प्रणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। इस पावन दिन के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की प्रत्येक बेटी की जिम्मेदारी शादी करने के लिए ली है, और हर 2 महीने में 15 दिन में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम होता है। अभी शायद 15 दिन पहले हुआ था, आज फिर कार्यक्रम हो रहा है। 196 जोड़ों का हिंदू जोड़ा है, लगभग 200 टोटल जोड़ों का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, और मैं सभी यहाँ जो नवयुगल हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो, दोनों में बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। और माननीय बाबा जी को महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश की बेटियों को अपनी बेटी मान करके सबके पिता की चिंता को दूर किया है, इसलिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ की? आज कन्फर्म कर लीजिए जी, आज यहाँ पर कुल 207 जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से संपन्न कराया जा रहा है, और जिसमें कि 11 जोड़े जो हमारे हैं वो मुस्लिम जोड़े हैं और जिनका निकाह भी पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर जो भी पूरी व्यवस्था पंडित जी मौलवी जी सब लोग भी हैं, हर एक शादी में 35,000 रुपीज़ तो सीधे अकाउंट में जाता है खाते में, और उसी के साथ साथ 10,000 रुपये का हम लोगों के द्वारा ये हम लोगों के एज इन आपके शासन के प्रशासन के द्वारा गिफ्ट्स दिए जाते हैं जोड़े को, जिसमें कि पायल बिछिया कंबल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो शॉल बैग और इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये पूरी चीज़ें दी जा रही है, और साथ में यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था और पंडाल की व्यवस्था क्या कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी इनकी मदद की गई है? बताइए। नहीं, अभी तक नहीं, ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। पिछले साल के अलावा इस साल में कुछ बढ़ोतरी हुई है या पिछले साल के? इस साल अभी तक हमारे 500 प्लस ये 500 और प्लस ये 200 और, तो बेसिकली 700 के करीब विवाह संपन्न हो गए हैं। पिछले वर्ष हमारे लगभग 1100 पूरे वर्ष में हुए थे, इस बार क्योंकि व्यवस्था भी कुछ चेंज हुई है और जो पोर्टल है वो भी नया बना है, तो विवाह कुछ लेट स्टार्ट हो पाए हैं, लेकिन हम लोग का अजीब इजीली हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी फरवरी तक ही हमारे 700 और 800 का टारगेट पूरा हो जाएगा। जनपद को इस समय 800 विवाह का लगभग टारगेट दिया हुआ है। थैंक यू।